सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द आईटी गुरु माई सेल्फ सियोम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यानी जो शाओमी के फोन्स होते हैं उनमें से हम ब्लॉटवेयर सॉफ्टवेयर को कैसे रिमूव करें, यानी दोस्तों जो प्री इंस्टॉलेड सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में आते हैं जब भी आप मोबाइल नया परचेज करते हैं और उसमें आप जैसे ऑन करते हैं तो दोस्तों वहां पर बहुत ही जो प्री इंस्टॉलेड सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल अनयूज है, टोटली वेस्ट है, और आपका जो रैम मैनेजमेंट है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं उस एप्स के थ्रू डिक्रीज होता है, क्योंकि दोस्तों वो एप्स जो होते हैं वो आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब ब्लॉटवेयर कहलाते हैं जो टोटली अनयूज्ड होते हैं। ठीक है, यानी उनका आपको अपनी डेली लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो फोन्स में ऑलरेडी इंस्टॉलेड हुए हैं और उनको अनइंस्टॉल करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है फोन के अंदर, तो आपको उनको रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले हमें अपने पीसी में हमें जावा को इंस्टॉल करना है। ठीक है, यानी इस ऐप को रन करने से पहले हमें जावा को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जावा के लिए एक लिंक दे दी है, तो इस लिंक पे आप जाके जावा को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप पर्सनल यूज़ के लिए बिल्कुल इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं और पूरी तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने जो नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू आप विजिट करके यहां से दोस्तों इस ऐप को ले सकते हैं। ये ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, यानी पहले आपको जावा डाउनलोड करना है, फिर आपको ये शाओमी एडीबी फास्ट बूट टूल्स जो है इसको डाउनलोड करना है। ये जार में है। ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे, इस साइट को हम यहां पे नीचे मैंने लिंक दे दिया है और इसकी आपको एक शॉर्ट लिंक मिलेगी, वहां पे आप विजिट करके इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। ठीक है, और यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं डायरेक्ट चलता हूं, आपको पीसी में बताता हूं इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, यहां पे हम इसको कर देंगे क्लोज और फिर हम अपनी डाउनलोड लोकेशन में जाएंगे जहां पे हमने फाइल डाउनलोड कर रखी है। तो सपोज दैट मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे देखिए मैंने Xiaomi ADB जो टूल्स है उसको डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जब पहली फाइल आएगी तो आपको यहाँ पे ये जिप फोल्डर मिलेगा और इसको एक्सट्रैक्ट करके आपको फिर इसके अंदर ये वाला ऑप्शन मिलेगा और इसको आपको कर लेना है। आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पे डबल क्लिक करना है और इसको करना है रन दोस्तों। ठीक है, और रन करने के बाद अगर आपसे न्यू वर्जन के लिए कह रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, कि आपने जो इंस्टॉल किया है वो परफेक्ट है आपके काम के लिए, तो इसको मैं क्लोज करता हूं। तो यहां पे प्रोग्राम ओपन होने के बाद हमें सीधा क्या करना है, यहां पे दोस्तों यहां पे लुकिंग फॉर डिवाइस है। ठीक है, अब ये हमारी डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन अभी डिवाइस हमारी कनेक्ट नहीं है। अब अपने मोबाइल को क्या करते हैं, यूएसबी केबल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपली। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज और ये चला जाएगा चार्जिंग मोड पे। अब इसका इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, और सेटिंग पे जाने के बाद हमें जाना है अबाउट फोन में। ठीक है, और MIUI जो वर्जन लिखा है यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम यहाँ पे 6-7 बार टैप करना है, जब तक कि आप डेवलपर मोड में इनेबल ना कर लें। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, मींस मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप जैसे करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। देन आफ्टर आपको बैक आना है और यहाँ पे जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। ठीक है, और एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको पहले ऑन करना है यूएसबी डिबगिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है यूएसबी डिबगिंग, इसको जस्ट आपको सिंपली इनेबल करना है और ओके कर देना है। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर में दोस्तों जो डिवाइस है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा सीरियल नंबर आ गया और यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे देखिए जो ऐप्स हैं, जो यहाँ पे सारे के सारे जो ऐप्स हैं इंस्टॉलेड हैं इस समय हमारे Xiaomi के फ़ोन में, वो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब इनको अगर हमें इंस्टॉल करना है, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे MI के जो ऐप्स हैं उनको ले लेता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे MI रिसाइकल है, ठीक है, MI पे है, ठीक है, और MI ड्रॉप है, ठीक है, और MI क्रेडिट है। इन सभी ऐप्स को अगर हमको करना है डिलीट, MI वॉलपेपर है, MI वीडियो है, MIUI है, ठीक है, यानी जो आपको ऐप्स करने हों वो आप बड़े आराम से दोस्तों यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लें, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, सिलेक्ट बस करना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ब्राउज़र है, ब्राउज़र को भी मुझे नहीं रखना क्योंकि मेरा काम लगता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी की कंफर्मेशन आएगी, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, और फ़ोन को यूज मत कीजिए, यानी छोड़ दीजिए एज इट इज जैसे है, यस करिए, थोड़ी देर वेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग है वो होने लगी है।
तो नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टेटस मैसेज आ गए, यानी कि सारे से सारे हमारे जो रिजल्ट हैं वो सक्सेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, इस मैसेज के आने तक इंतजार करें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब आइए अपने मोबाइल में देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जब आप टूल्स में आएंगे, जैसे मैंने अपने कुछ चीज़ें यहाँ पे भी रख रखी हैं, और ठीक है, और जैसे आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी आपको कुछ ऐप्स जो हैं वो आपके नहीं दिखेंगे, यानी जो जो हम लोगों ने डिलीट किए हैं। तो यहाँ पे आप आइए अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स में, वेट करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि हमें MI के वो ऐप्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, MI पे सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं MI पे का कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे हमको MI पे और सॉरी सेम ऐसे हमें MI रिसाइकल, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे रिसाइकल का भी कोई नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर MI वॉलपेपर आप देख लीजिए, MI वॉलपेपर इसका भी कोई, सेम हम आपके यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों MI का MI वेब व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे MI वेब व्यू के नाम से भी यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे अब आते हैं इन सभी ऐप्स को हम फिर से अगर हमें रीइंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सेम हमें वही प्रोसेस करना है, USB कनेक्ट करनी है और अपने फ़ोन में आ जाना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रीइंस्टॉलर पर क्लिक करना है। ठीक है, जो अभी मैंने सारे ऐप्स अनइंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पे हैं। फिर से अगर हमें इंस्टॉल करना है, जैसे अभी अभी आप देखिए यहाँ पर ब्राउज़र नहीं था, देखिए यहाँ पर मैं ब्राउज़र टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, यानी ब्राउज़र का रिजल्ट हमारे उस पर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यानी हम सिर्फ यही ब्राउज़र रीइंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक आएंगे और फ़ोन को एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम रीइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। और नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्राउज़र है वो हो गया है इंस्टॉल। और अब हम आते हैं अपने ऐप्स में और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ब्राउज़र। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ब्राउज़र है वो आ चुका है। ठीक है, आप ऐसे अपने किसी भी MI फोन्स में जो ब्लॉडवेयर सॉफ्टवेयर हैं, जो प्री इंस्टॉलेड ऐप्स हैं, उनको आप बड़े आसानी से दोस्तों रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक नए हैं तो आप ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर मोड के लिए है। तो अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आई होगी आपको पसंद, और अब Xiaomi के फ़ोन से हम कैसे ब्लॉटवेयर या प्री इंस्टॉलेड ऐप्स हैं उनको कैसे रिमूव करें इस बारे में पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ।